सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंकिता किचन। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने जा रहे हैं तवा मिर्ची फ्राई, तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 9 मिर्च ली है मीडियम साइज की, देखिए कुछ इस तरह की। मैं इनको बीच से इनके चीरा लगा देती हूँ। देखिए सभी मिर्चियों के मैं इस तरह से चीरा लगा देती हूँ। चीरा लगाने के बाद मैंने आधा चम्मच नमक लिया है, सादा नमक है। नमक की एक चुटकी उठा के इस मिर्च के अंदर मैं इस तरह से डाल दूंगी। देखिए इस तरह से डाल के सभी मिर्चियों को हम तैयार करेंगे। सभी मिर्चियों को मैंने तैयार कर लिया है। मैंने गैस पे तवा चढ़ा दिया है। तवे पे मैं ये आधा चम्मच तेल ले रही हूँ। ये मीडियम साइज का आधा चम्मच है, आप छोटी चम्मच से नापना चाहें तो ये 2 चम्मच है। इसको हम इस तरह से फैला देते हैं तवे पे। तवे को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे, तेल को भी हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तेल गरम हो गया है हमारा। अब हम ये मिर्च उठा के तवे पे डाल देते हैं कुछ इस तरह से। इनके ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा नमक डाल देते हैं ताकि इनका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा बने। इस तरह से अगर आप तवा मिर्च फ्राई करके खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और कभी सब्जी बनाने का मन ना हो तो ये मिर्च फ्राई करके खा सकते हैं। ये आप पूरी चपाती पराठे के किसी भी साथ खा सकते हैं, आप अच्छी लगेगी। एक बार जरूर ट्राई करना। इसी हम बिल्कुल लो गैस पे सेकेंगे। हम करीबन 1 मिनट के लिए इसी तरह से तवे को चलाते हुए देख देते हैं, भून लेते हैं इनको। सभी मिर्चियां भूनकर हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल चटपटी, बिल्कुल अच्छी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।